जय हिंद बच्चों, डीएनजे एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, है ना। थोड़ा सा नया रहेगा, बट कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों ने 10th क्लास में इसको पढ़ा वाला है। तो देखिए टॉपिक क्या रहेगा, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमिति के बारे में आप लोग 10th में पढ़ चुके हो। ये क्या रहेगा, त्रिकोणमितीय फलन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड रहेगा। मतलब ये है कि जो त्रिकोणमिति का मान, जो मतलब त्रिकोणमिति का यूज फलन में किस प्रकार से किया जाएगा, इससे संबंधित ये अपने पास में चैप्टर रहेगा, ठीक। तो देखिए बुक में क्या देके रखा है, किससे रिलेटेड है, त्रिकोणमिति होता क्या है, वो भी थोड़ा बहुत दिया। सबसे पहले अपन देखेंगे कि आर एम भट्ट ने त्रिकोणमिति के बारे में बताया था, है ना। तो इनको अपन बोल सकते हैं कि भाई त्रिकोणमिति के मतलब जनक भी एक प्रकार से बोल सकते, ठीक। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है, शब्द ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्रिगोन, है ना, काय से, ग्रीक शब्द ट्रिगोन तथा मेट्रोन से होती है। काय कैसे होती है, ग्रीक शब्द होता है ट्रिगोन और काय से होती है, मेट्रोन से, ठीक। सिर्फ इसका अर्थ त्रिभुज की भुजाओं को मापना होता है। इसका अर्थ क्या होता है, त्रिभुज की भुजाओं को मापना। इस विषय का विकास मूलतः त्रिभुजों से संबंधित ज्यामितीय समस्याओं को, मतलब जो त्रिभुज से संबंधित जो भी समस्याएं थी उनको हल करने के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है, ठीक। और इसका अध्ययन समुद्री यात्राओं के कप्तान, जो समुद्री मतलब यात्रा करते जहाज वगैरह रहते उसमें जो कैप्टन रहते हैं, और वहां पर सर्वर चेक करने के लिए, जिन्हें नए भूभाग का चित्र तैयार करना, नई बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ भूमि मतलब बनाना हो, तथा अभियंता, अभियंता मतलब इंजीनियर वगैरह जो होते आदि के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इसका उपयोग बहुत सारे क्षेत्र, जैसे विज्ञान हो गया, भूकंप हो गया, शास्त्र हो गया, है ना, ये ऐसे बहुत सारे जो मतलब क्षेत्र इसमें भी त्रिकोणमिति का उपयोग करने लग गए। डिजाइन कोई तैयार करने के लिए, अणु वगैरह से रिलेटेड, समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा जो होता है, है ना, उससे संबंधित भी इसके लिए मतलब इसका उपयोग किया जाता है, तथा सांगीतिक लय रिंगटोन वगैरह से विश्लेषण करने के लिए एक दूसरे क्षेत्र में होता है, ठीक। और इसमें पिछली कक्षाओं में भी आप कुछ पढ़े, न्यूनकोण से संबंधित, है ना, अनुपात वगैरह, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो। तो बाकी का जो रहेगा अपन आगे का देखते, कोण, कोण के बारे में भी आप लोग लगभग जानते हो। कोण क्या होता है, कोण एक वह माप है जो किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु से परे तक घूमने पर बनता है, मतलब प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट करते तो बनता है। के घूर्णन की मूल स्थिति को प्रारंभिक भुजा तथा घूर्णन के अंतिम स्थिति को कोण की अंतिम, प्रारंभिक भुजा होती है एक, अंतिम भुजा होती है ना। घूर्णन बिंदु को शीर्ष कहते हैं, सबसे ऊपर वाला, क्या कहते हैं, शीर्ष। यदि घूर्णन वामावर्त है तो धनात्मक, मतलब क्लॉक वाइज घड़ी की दिशा में धनात्मक, और दक्षिणावर्त है एंटी क्लॉक वाइज तो वो क्या बनेगा, एंगल अपने पास ऋणात्मक बनेगा। चलिए अब इसमें आपके पास में डायग्राम से भी इसमें समझाया है, देखिए आपके पास में डायग्राम देके रखे है ना। तो क्या हुआ, देखिए स्टार्टिंग ये शीर्ष था, यहां से चालू हुआ तो ये प्रारंभिक भुजा और ये अंतिम भुजा, जहां तक गया वहां तक क्या रहेगी, अंतिम भुजा। ये सेम यहां से नीचे आएगा, इधर जाएगा तो ये धनात्मक बनेगा, इधर से नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, अपने पास ऋणात्मक बन जाएगा, है ना, ठीक। चलिए फिर है अपने पास में नेक्स्ट, फिर डिग्री माप आ जाता है, डिग्री, है ना, जो कोण होते हैं उनको डिग्री में नापा जाता है, ठीक। तो यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण, तो एक मतलब 360 डिग्री का एक कंप्लीट करता है, 1/360 भाग होता है, ठीक। और हम कोण का एक माप को मतलब एक डिग्री में लिखते हैं, उसको क्या लिखा जाता है, एक डिग्री। तो ये याद रखना है कि एक डिग्री बराबरी से होता है 60 मिनट, और उस मिनट को दर्शाने के लिए उसके ऊपर छोटा सा जो है डेज लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है उस पर, छोटा सा ये डेज आपको दिख रहा होगा, ये वाला लगाते हैं, ठीक। और एक मिनट को लिखने के लिए 60 के ऊपर डबल डेज लगाते, क्या लगाते, डबल डेज। तो याद रखना है कि यदि डिग्री से हमको मतलब क्या बोलना चाहिए, मतलब ये आता है डिग्री से मिनट में जा रहे तो अपन क्या करेंगे, 60 का गुना करेंगे, और मिनट से डिग्री में जा रहे तो भाग देंगे। जैसे किलोमीटर से मीटर में जाते तो गुना करते हैं, और मीटर से किलोमीटर में आएंगे तो क्या करते हैं, भाग देते हैं ना। बड़ी इकाई से छोटी इकाई में गुना, छोटी इकाई से बड़ी इकाई में क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या एक डिग्री में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर है रेडियन, है ना। तो जैसे जो एंगल्स होते हैं उनको कोण मतलब डिग्री में नापा जाता है, सेम उसी टाइप से रेडियन में भी नापा जाता है। इसको काय में नापा जाता है, रेडियन भी एक प्रकार का माप होता है कोणों को मापने के लिए। क्या है, देखो कोण को मापने के लिए एक दूसरी इकाई भी होती है, जैसे डिग्री है एक इकाई, वैसे ही रेडियन होता है, और जिसे क्या बोलते हैं, रेडियन माप इकाई। वृत्त की त्रिज्या एक इकाई होती है, केंद्र पर एक इकाई की प्रारंभिक भुजा, देखिए यहाँ से दो त्रिज्याएं होती है, उसके बीच का जो नापा जाता है उसको रेडियन में मापते हैं ना। जो वृत्त होता है उसके बीच से एक मतलब ये यहाँ से लेके त्रिज्या हुई, यहाँ से एक त्रिज्या, इसके बीच का मतलब जो बीच का जो नापेंगे अपन माप करेंगे वो काय में नापा जाता है, रेडियन में माप किया जाता है, ठीक। चलिए फिर है अगला अपने पास में, रेडियन का रहेगा। चलिए हम जानते हैं कि इकाई त्रिज्या के वृत्त की परिधि 2π होती है, तो प्रारंभिक भुजा
पूर्ण परिक्रमा के अंदर पर 2π का कोण अंतरित करेगी। आपको एक यहां से फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है अपने पास में, थीटा बराबरी से एल अपॉन आर। थीटा मतलब क्या होता है, कोण बराबरी से अपने पास आ जाएगा लंबाई बटे के आ जाएगी त्रिज्या, है ना। तो यहां से आपको जो मान मतलब जब भी जरूरत पड़ेगी तो याद रखना है। तो इसे तीन फॉर्मूले बन जाते हैं, एल बराबरी से आर थीटा हो जाएगा, थीटा बराबरी से एल अपॉन आर आर हो जाएगा, है ना, आर बराबरी से हो जाएगा। तो तीनों यहां से फॉर्मूले अपने को मिल जाते हैं, ठीक। ये सब जो है क्वेश्चन में आएगा, और क्वेश्चन में हम और भी उसको मतलब वहां आपको और अच्छे से भी मतलब क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए फिर है आपके पास में ये फॉर्मूला बनता है, थीटा बराबरी से एल, है ना, क्या होता है कोण बराबरी से लंबाई बटे त्रिज्या। चलिए फिर है आपके पास में यहाँ से रेडियन तथा वास्तविक संख्याओं के मध्य संबंध भी है। अगला टॉपिक है डिग्री तथा रेडियन के मध्य, डिग्री और रेडियन के मध्य संबंध है, ठीक। एक वृत्त केंद्र पर एक कोण बना था जिसकी माप 2π रेडियन होती, मतलब एक पूरा परिक्रमण कंप्लीट, मतलब उसको क्या बोला जाता है 2π, और पाई मतलब क्या होता है 180, मतलब कुल मिला के याद रखना है कि पाई का मान कितना होता है, मतलब पाई को डिग्री में क्या लिखा, मतलब लिखा जाता है 180 डिग्री, और एक राउंड पूरा हो जाए तो उसको बोला जाता है 2π, क्योंकि आधा 180 फिर आधा तो 2π हो जाएगा, ठीक। और पाई का मान आपको ये वाला यूज करना है। एक चीज और यहाँ से विशेष तौर पर याद रखना है कि एक रेडियन बराबरी से होता है 180 बटे पाई, ठीक। लगभग आप पाई का मान रखोगे तो 57 डिग्री 16 मिनट के मतलब अप्रोक्स जाता है, ठीक। उसका अपोजिट एक डिग्री बोला जाए तो पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा, है ना। डिग्री बोला जाए तो पाई बटे 180 रेडियन ही है, एक डिग्री बराबरी से पाई बटे 180 रेडियन, इसको भी निकाल लिया। तो ये सब मान होते हैं, ये देखिए 30 है ना, मान लो आपके पास में भाई पाई का मान 180 है, तो 180 है तो 30 डिग्री का मान कितना आएगा, तो आप क्या करेंगे वहां से उसको डिवाइड कर देंगे, पाई का मान रखेंगे यहाँ 180, तो 30 डिग्री आ जाएगा, पाई का मान 180 तो 45 डिग्री आ जाएगा, तो ये मान निकल जाते हैं यहाँ से, ठीक। ये है पाई का मान 180 तो पाई बाय 4 45 हो जाएगा, रेडियन है तो रेडियन से यदि आप डिग्री में जाते हो, रेडियन से कहाँ में जाए, डिग्री में, तो 180 बटे पाई, डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं तो पाई बटे 180 में गुना किया जाता है। ये देखिए उदाहरण आपके पास में एक पहला है, उदाहरण को जो है हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि किस प्रकार से ये बनेगा, है ना। क्या बोला, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलना है, कहाँ में बदलना है, रेडियन में बदलना है, ठीक। देखिए अब इसको अपन चलिए चलिए, है ना, देखिए उदाहरण नंबर कौन सा है अपने पास, पहला क्या बोला है, 40 डिग्री 20 सेकेंड, क्या देखे रखा है, 40 डिग्री 20 सेकेंड को कायम बदलना है रेडियन में, कायम बदलना है रेडियन, ठीक, कायम है रेडियन में बदलना है, ठीक। चलिए देखिए अब ये तो डिग्री से रेडियन में बदलना है तो काय का अपन मतलब भाग गुना करेंगे रेडियन में पाई बटे 180 का, तो उसके पहले क्या करते हैं अपन, इसको पहले दोनों को ही जो है ये अलग अलग है, इकाई सेम करना पड़ेगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, 40 डिग्री तो है 20, और इस मिनट को यदि हमको डिग्री में बदलना है, डिग्री बड़ा है मिनट छोटा है, छोटे से बड़े में आए तो भाग देते हैं, और भाग काय का देंगे, एक डिग्री में कितने सेकंड मतलब कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो अपन 20 में जो है काय का भाग दे देंगे, 60 का दे देंगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 20 एकम 20 20 3 60, मतलब आपके पास आ जाएगा 40 सही 1/3। ये सब कुछ आपका आप कायम है डिग्री में, कायम है डिग्री में, इसको सॉल्व करेंगे तो 120 और एक 121/3 कायम आ गया डिग्री में। यदि अपन इसमें गुना कर देते हैं किसका, 121/3 में यदि अपन गुना कर देते किसका, रेडियन में जा रहे हैं अपन, तो रेडियन में जाने के लिए पाई बटे 180 का गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो 2 है ना, नहीं आएगा 18 3 54, 121 पाई बटे कितना आ जाएगा, 540 रेडियन, क्या आ जाएगा, 121 पाई बटे 540 रेडियन, है ना, क्या आ जाएगा, 121 पाई बटे कितना आ जाएगा, 540 रेडियन। चलिए तो ये पहला अपना कंप्लीट हो गया रेडियन में बदलने वाला।
जो भी दिया रहा पहले उसको एक जैसा कर लो, मिनट में, सेकंड में, तो पहले उसको डिग्री में बदल लो और फिर उसके बाद में गुना करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, फिर उदाहरण नंबर जो दूसरा है अपना। क्या बोला उदाहरण दूसरे में? 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है। 6 रेडियन है, डिग्री में बदलना है। ठीक, 6 को तो बदलने के लिए सिंपल, डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, 180/π। यहां पर क्या याद रखना है आपको विशेष तौर पर कि जब डिग्री में जा रहे हैं तो पाई का भी मान आपको रखना है, क्योंकि कोण तो डिग्री में ही आएगा, पाई के रूप में रहेगा नहीं। मान रखेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, 6 × 180 के बटे में आ जाएगा 22/7। 180 के बटे में 1 है, चौथा पद ऊपर जाएगा, तो 6 × 180 × 7 और बटे में कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा ये। ठीक, चलिए अब यहाँ से अपन इसको हल करते तो 2 से कट जाएगा, 3 × 2 से कट जाएगा, कायम 11 बार में, तो क्या बचेगा, 3 × 180 × 7 और बट्टे में आ जाएगा 11। ठीक, ऊपर का अपन गुना करेंगे तो गुना कर लेते अपन, तो ये हो जाएगा 8 × 0 हो जाएगा 7 × 8 = 56। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3780/11 ये आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ से जो है ये तो आया, जब तक और आपको इसको मतलब मिक्स मतलब क्या बोलना चाहिए, मिश्रित भिन्न में बदलना है, क्या है मिश्रित भिन्न में, 3780 तो ये हो जाएगा 11 × 3 = 33 हो जाएगा, 7 × 3 = 4 = 0, फिर यहाँ से हो जाएगा 11 × 4 = 44। ठीक, तो 4 बचेगा 0, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 11 × 3 = 33, फिर क्या बचेगा, 7। अब उसको मतलब मिश्रित भिन्न में बदल देते हैं अपन, ये नीचे जाएगा आपका, ये सामने आ जाएगा, तो 343 7 और बटे में कितना आ जाएगा 11। ये प्रोसेस बन गई आपकी। ठीक, जब तक हल नहीं होता तब तक आपको हल मतलब सेकेंड तक जाना है, सेकेंड के बाद हल नहीं होता है तो उसको आप दशमलव में लिख दो तब कोई समस्या नहीं, पर उस मतलब वहां तक जो है आपको इसको हल करना ही है। चलिए अब यहां तक तो हो गया, अब क्या करेंगे अपन इसको, ये यहां तक आ गया। देखिए डिग्री हम काय में चल रहे मतलब डिग्री में बदलना है, तो डिग्री में बदलना है अपने को किसको, रेडियन को, तो रेडियन से अपन काय में जाएंगे, मतलब रेडियन से डिग्री में जाएंगे, तो इसमें गुना करेंगे किसका, 60 का गुना करेंगे अपन, किसका करेंगे, 60 का करेंगे। ठीक, तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पे, अपन 60 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 343 × 7 = 42/11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 × 42/11। एक और चीज है यहाँ पर, पहले लिख देते हैं, तो इसमें मिस्टेक एक हो सकती है अपने से, क्या था अपने पास में, 343 सही 7/11 है ना, यहाँ पर मैंने इंटू लिख दिया था, क्योंकि इंटू में नहीं रहेगा, मिश्रित भिन्न मतलब प्लस होता है वहां पर, है ना। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी मिस्टेक, 343 + 7/11 और गुणित कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा, तो ये चलेगा 343 + 7/42, 420/11 कितना आ जाएगा, 11। अब इस 420 और 11 को भी अपने को हल करना पड़ेगा, तो 11 × 3 = 33, 12 × 3 = 9, ये 0 हो जाएगा, 9 बचेगा, ये हो जाएगा 90, ये आ जाएगा 11 × 8 = 88 आ जाएगा, कितना आ जाएगा अपने पास, 88 आ जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, क्या था, 11 × 3 = 7 = 11 × 3 = 33, 9 बचा, फिर 11 × 8 = 88। ठीक, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, अब 343 डिग्री में है, अब ये काय में बदल गया, मिनट में आएगा, तो मिनट में क्या आएगा आपके पास में, और नीचे ये आ जाएगा 38 और इधर कितना आ जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, ये 11 आ जाएगा, तो 33 नहीं, कितना है अपने पास, ये रहेगा 38, नीचे आ जाएगा 11 और ऊपर कितना जाएगा, 2। ये आ गया आपका कायम है, जैसे एक बार गुना किया तो कायम में चला गया, ये मिनट में आ गया, तो 343 डिग्री 38 मिनट। अब इसके आगे एक बार और, जब तक मतलब
ये मान के चलिए कि जब तक हल नहीं होता जब तक हमको इसको हल करना ही करना है, ठीक। चलिए अब आगे क्या करेंगे इसमें अपन, आगे अपने को सेम एक बार और अपन, भाई अभी तो ये इसमें आया, इसको भी बदल देते अपन इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार और अपन काय का गुना करेंगे इसमें 60 का, तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट, और यहां पर भी प्लस, प्लस का ध्यान रखना है, कितना है अपने पास 2/11 गुणित कितना जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 6 × 2 = 12 120 बटे में कितना आ जाएगा 11, ये काय में आ गया, सेकेंड में आ गया जैसे ही 60 का गुना किया, तो अब इसको अपन हल कर लेते, तो 120 इसको हल करेंगे अपन 11 है तो 11 एकम 11, एक बचेगा फिर 0 लगेगा, है ना, ठीक, तो 0 लगेगा अपने पास, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा फिर 0 आ जाएगा, फिर 100, है ना, अब दशमलव लगाएंगे तो एक आ जाएगा, तो 11 में कितना आ जाएगा 99, कितना आ जाएगा 99, मतलब लगभग इसको अपन 10 के ऊपर जा रहा, तो क्या लिखेंगे 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 11 सेकेंड, है ना, लगभग कुछ इतना ही आपका मतलब ये बनना चाहिए, ठीक। चलिए तो ये बनेगा आपका आंसर जो है, ये वाला फाइनल आंसर रहेगा आपका ये वाला, ठीक है ना। तो कैसे किया अपन ने, सबसे पहले डिग्री को काय में बदला और रेडियन में बदल दिया, 100 मतलब काय में था ये, रेडियन में था, क्वेश्चन काय में था आपको रेडियन में था, उसको डिग्री में बदलना था, तो 180 बटे पाई का गुना किया, जैसे ही गुना किया अपने पास क्या आया, सब सॉल्व करके आया 3780/11, ये आ गया। अब ये भिन्न के रूप में था, इसको हमने हल किया तो मिश्रित भिन्न में बदला, तो ये तो डिग्री में आ गया, फिर इसको बदलने के लिए 60 का गुना किया, है ना, काय में जा रहे थे अपन इसमें से रेडियन से, है ना, मतलब उसमें जा रहे काय में, रेडियन से डिग्री में बदल रहे अपन, तो इसके लिए 60 का गुना करना पड़ा अपने को, ठीक, मतलब कुल मिला के बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जा रहे अपन, है ना, तो 60 का क्या करेंगे यहाँ पर गुना, फिर ये 420/11 हो गया। अब इसको वापस से हमने मिश्रित भिन्न में भाग दे के हल किया, तो ये क्या है 38 से 2/11 है, फिर इसको ये एक बार दिया तो ये काय में गया अपना, ये मतलब ये उसमें चला गया मिनट में, काय में गया मिनट में, डिग्री फिर मिनट, पर लास्ट में आता सेकेंड, फिर और बचा ही था 2/11, 2/11 में फिर से 60 का गुना किया, तो मिनट में तो हो चुका था, फिर एक बार काय में जाएंगे अपन सेकेंड में जाएंगे, तो 120/11 मतलब ये फिर लगभग आपका 10.9 कुछ आया था, तो ये गया 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड इसका आंसर है। तो जब भी आपको डिग्री में बदलने वाले क्वेश्चन आते हैं तो थोड़े से लंबे जाते हैं ना, रेडियन वाले तो इजी होते हैं, डायरेक्ट पाई का मान भी रखना पड़ता है उसमें, तो ये थोड़े से कैलकुलेटेड होते हैं इसमें, है ना, कैलकुलेशन होता है, बाकी तो फिर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट ये थोड़ा सा बढ़ जाता है इसमें, तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, बाकी जो रहेगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसके आप लोग एक्सरसाइज जो 3.1 है उसके क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आपसे बन जाएंगे फर्स्ट और सेकेंड दोनों, ठीक।